जन्माच्या उत्तम जेवणानंतर जागीरदारांच्या उत्तम अनुभवानंतर मला बोलायचं आहे. जागीरदारांनी अनुभव सांगितला मुझे याद दिलाया गया है कि मुझे हिंदी में भाषण करना है. धन्यवाद. तो जैसे ये एक अच्छा अनुभव हम सबने सुना, उसमें एक वैद्य की भूमिका में से जो मैंने सोचा कि निमोनिया ये तो मॉडर्न डायग्नोसिस हुआ, आयुर्वेद में कहीं इस नामकरण की संभावना नहीं है. तो एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह से मेरे मन में ये प्रश्न आया कि इन्होंने दवाइयों का चयन कैसे किया. जो योग, जो वनस्पतियां, सभी नाम बताए, वो प्राण व स्रोत पे काम करने वाले हैं, लेकिन वो निमोनिया पे काम करेंगे इस बात का निर्णय किस आधार पर हुआ? इसकी युक्ति, युक्ति प्रमाण होता है. विद्यार्थी हो आप तो आप जानते होंगे, आयुर्वेद ने युक्ति को प्रमाण का दर्जा दिया है. प्रमाण मतलब जिसको साबित करने की जरूरत नहीं और जिसके द्वारा साबित किया जा सकता है वो मानदंड प्रमाण. तो ये सभी जो दवाइयां काम करती है उनके काम करने का ढंग क्या है? ये चिकित्सा कैसा हुआ? उसके पहले निदान माधव पूर्वित तत्वानंतरम औषधम. तो निदान जो है वो क्या हुआ? क्योंकि एक तर्क ऐसा आता है कि निमोनिया में बुखार होता है, त्रिभुवन कीर्ति तो इसलिए दीप के बुखार था. फिर ये प्रश्न आएगा कि आपने महामृत्युंजय क्यों नहीं दिया, जय मंगल क्यों नहीं दिया, महाज्वर अंकुश क्यों नहीं दिया? बहुत सारे प्रश्न हैं. हालांकि ये गलत हो सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ. उपलब्धि के आधार पर उन्होंने दिया होगा, अनुभव के आधार पर दिया होगा, बहुत सारे उत्तर उनके पास होंगे. पर मैं इस बात से संतुष्ट नहीं, इसलिए कि ये शास्त्र है, कोई कीर्तन कथा पुराण ऐसा स्वरूप नहीं है. तर्क कठोर कुछ भूमिका है. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संक्रमणशील होना चाहिए. संक्रमणशील का मतलब ये कि जिस युक्ति से मैंने वो योजना निश्चित की उसके कार्यकारण भाव को अगली पीढ़ी तक या अगले विद्यार्थियों तक पहुंचाने का. जो एक सामर्थ्य होता है वो शास्त्र में है. शासनात्रायति, शासन मतलब नियम, घटना, कायदे कानून, ये सभी जो
शासन के लिए अनिवार्य है। तो मैं चाहूँगा, मैं ये प्रयास करता हूँ कि इन बातों को मेरे नज़रिए से कैसे अध्ययन कर सकते हैं। तात्पर्य यही होगा कि संहिताओं ने जो बातें बताई उनका अध्ययन एक वैद्य एक जिज्ञासु कैसे करें। उम्मीद करता हूँ कि आयुर्वेद की परिभाषाएं आप सभी वैद्य महानुभाव विद्यार्थियों को परिचित हैं। आरंभ करें। सबसे पहले जितनी बातें मैं पहले हिस्से में आपके सामने रखूंगा उनका एक स्थूल चित्र है। विषय प्रयोजन, किसी भी विषय का प्रयोजन अभ्यास का हेतु मैं ये क्यों जानना चाहता हूँ, ये जानने से मुझे क्या लाभ होगा और नहीं जानूंगा तो क्या नुकसान होगा, इन दोनों ही बातों का ध्यान प्रयोजन से स्पष्ट होता है। तो विषय का प्रयोजन है खुद को अभ्यास करके काबिल वैद्य बनाना, ये सर्वप्रथम प्रयोजन, क्योंकि अभ्यास प्राप्त होते दृष्टि, वो जो दृष्टि है वो देखना नहीं है, एक अच्छी वस्तु जा रही है उसको मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दृष्टि मतलब जो मैं देख रहा हूँ उसमें वैद्य के दृष्टि, वैद्य के दृष्टि से रोगात्मक बाजू कौन सी है, लक्षण कौन से हैं, इनको समझना, इसे दृष्टि कहते हैं। और वो बिना अभ्यास के नहीं होती। और अभ्यास करने का आयुर्वेद का अपना तरीका है जो कि प्रसिद्ध है। चरक का वही सूत्र के अध्ययन कैसे करें, तो विमान स्थान के 8वें अध्याय में इस विषय का पूर्ण विवरण है। एक वाक्य जो मेरे जहन में बैठ गया और मेरे गत पूरे अभ्यासक्रम में वही मेरे दिमाग में रहता है, वो है शब्दशः, शब्दार्थशः, अर्थ अवयवशः। तीन बातों का ही ध्यान करो, आपको चरक संहिता खुद अपने मुंह से सब बातें बताना शुरू करेगी। एक तो शब्द, जो संहिता का प्रत्येक शब्द है उसे इस तरह से महीन पीसो, भरने के पहले जैसा वो छोटा छोटा उसको पीस करके नरम करते हैं, वैसे उसको एक एक शब्द की व्याकरण की दृष्टि से विकल्पना देखो। फिर होते हैं गूढ़ार्थ, होते हैं लक्ष्यार्थ, होते हैं, इन सबका अध्ययन विद्यार्थियों ने पदार्थ विज्ञान में से करना चाहिए। मैंने वो किया था, सुदैव था कि वासुदेव शास्त्री लाटा जैसे हमारे गुरु मिले, पर वो आज भी उतना कठिन नहीं है। और फिर उसके आगे चल के तीसरा जो है कि उन अर्थों के अवयवों का अभ्यास, तो कैसे करना है वो आगे लेक्चर में हम सुनेंगे। दूसरा जो विषय प्रयोजन में दूसरा है प्रज्ञा विशोधन। चरक ने संहिता में स्पष्ट लिखा है, चिकित्सार्थम प्रज्ञा विशोधये, कभी समझ के ये मत चलो कि मैं विशुद्ध प्रज्ञा का प्रज्ञावान हूँ या रतम भरा प्रज्ञा मुझे प्राप्त हो गई है, मैं जो बोलूँगा
वही होगा। रसायन खाता हूँ तो वाचा सिद्धि भी होगी, ऐसे नहीं समझना। तो प्रज्ञा विसर्जन के लिए स्वयं प्रयत्न अभ्यास के द्वारा करें। तीसरा वही दृष्टि प्राप्ति, जो सूक्ष्म सूक्ष्म ग्राहिता शक्ति है वो दृष्टि। एक रोगी आपके पास चल के आता है तो उसके चलते समय आप ये भी देखें तो वह कैसे चलता है, चलने की उसकी विकृतियों में से आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जैसे वो व्यंग है कि चार मित्र वैद्य डॉक्टर चलते हुए आ रहे, एक आदमी को देख रहे थे वो लंगड़ा रहा था। आर्थोपेडिक वाले ने बोला उसकी हड्डी टूट गई होगी नीचे। दूसरा है बोला, वैद्य बोला नहीं नहीं ये तो कलाई खंज है। तीसरा बोला नहीं आप लोग कुछ भी बोलते हो ये तो संधिवात है। और मैं वहाँ बाजू में खड़ा था, मैंने सोचा भाई उस मरीज से ही या उस आदमी से ही पूछो क्या हो रहा है। तो आदमी ने पूछा आप लोग कौन हो, चलो भाई हम लोग वैद्य हैं। हाँ तो मुझे क्यों देख रहे हो, क्या पूछ रहे हो। तो हमने सब बताया ऐसे है। तो बोलते क्या है, मेरी चप्पल का अंगूठा टूटा है। तो भाई देखा तो करो, जो हुआ है वो तो लंगड़ाता है तो हड्डी टूट गई होगी, कलाईखंज हो गया होगा, संधिवात हो गया। इस तरह से न हो इसे दृष्टि नहीं कहते। तीसरा निदान की बाजू जो है, जो आयुर्वेदीय निदान आज मेरी दृष्टि से सबसे चिंता का विषय है। वैसे बोल ही नहीं पाते आयुर्वेद की परिभाषा में, ये परिस्थिति अच्छी नहीं, ये बदलनी चाहिए। इसलिए अभ्यास को पर्याय नहीं, संहिता अध्ययन को कोई दूसरा मार्ग नहीं है। फिर ये तो रहा अपनी तरफ जो लाभ है उनका विचार। अब व्यवहार में जो हो उसमें निदान से आपको चिकित्सा सूत्र की निश्चिति होती है, कैसे होती है उसका जिक्र चर्चा होगी। और चिकित्सा सूत्र निश्चिति होने के बाद कौन सी दवाई उनका यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, कौन सी नहीं, विधि निषेध कल्प मार्ग मात्रा काल, ये सभी ये आपको कैसे मिलता है एक सूत्र के अच्छे अध्ययन के द्वारा, ये दिखाने का मेरा प्रयास है। नेक्स्ट। लाइट कब तक विजिबिलिटी है, आप देख सकते हो पीछे वाले लोग। ये अभ्यास के नियम और पद्धतियां हैं जो आयुर्वेद के ग्रंथकारों ने ही दी है। सबसे पहला महत्वपूर्ण एक विषय उन्होंने दिया है नियमों के बारे में, वादस्तु खलु विषयां प्रवर्तमानो प्रवर्तेत आयुर्वेद एव न अन्यत्र। अब ये चरक संहिता का आदेश है, मेरा आग्रह तो है नहीं। यदि वैद्य ने वैद्य से भाषा परिभाषा संवाद तद्विद्य संभाषा यदि करनी है तो कौन सी भाषा में करें। इस प्रश्न का उत्तर आप खुद अपने मन में सोचिए, जो उत्तर होगा उसी की दिशा में अभ्यास कीजिए। पर आयुर्वेद को आयुर्वेद की पद्धति से
आयुर्वेदियों ने पढ़ना चाहिए। तो ये आयुर्वेद पद्धति जो अभी मैंने बताई वो शब्दशः अर्थशः अर्थावयवशः ये चरक के हैं। फिर एक प्रसिद्ध सुभाषित है, अग्नेभ्यो ग्रंथिन श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो दारिणो वरा हरिभ्यो ज्ञानिन श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिन। बहुत ही समर्पक सुंदर सुभाषित है ये कि अग्नि जो बिल्कुल नहीं जानता उससे अच्छा तो ग्रंथ पाठ करने वाला, ग्रंथिना मतलब शरीर पे गांठ होने वाला नहीं, ग्रंथ पाठ करने वाला वो क्रांति ग्रंथ, उससे भी पाठ करने वाले से भी अच्छा कौन, तो उनको धारण करने वाला मतलब बुद्धि मेधा स्मृति, तो धारणावती ही जो होती है वो पाठ करने से उसका प्रयोग आ जाता है, आना चाहिए। फिर धारण तो किया पर उसका अर्थ मालूम ही नहीं है, तो उसके लिए सुश्रुताचार्य स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। जैसे गधे पर चंदन का पोज आप लगा दो और गधे को जंगल से गांव में ले आओ तो गधे को तो पता ही नहीं है कि वो चंदन है कि वो बबूल का है, उसकी सुगंध को गधा समझ नहीं सकता। तो ये सुश्रुत महाराज ने बोल दिया है कि वैसे पढ़त मूर्ख मत बनो, पाठ तो सब कुछ है लेकिन याद कुछ नहीं, तो ऐसे ज्ञान से भी कोई फायदा नहीं। तो जो आपने रट के याद किया है, जो मेधा शक्ति से धारित किया है, उसके अर्थ को यदि आप समझो तो आपको व्यवसाय करने में सबसे बड़ी सुविधा होती है। व्यवसाय नाम धंधा करना नहीं, व्यवसाय का नाम होता है निर्णय शक्ति। व्यवसाय नाम निर्णय है, चक्रवाणी टीका होती है चरक्य मान स्थान में देखें। तो निर्णय शक्ति जब है तो निदान का प्रश्न ही नहीं रहेगा, इसलिए निदान करने के लिए कम से कम इन बातों को ध्यान रखो कि पाठ हो, मेधा धारणा हो, फिर अर्थ निश्चित का ज्ञान हो और व्यवसाय में योजना युक्ति करने का भान हो। भावाभ्यसनम अभ्यास ये अगली उसकी एक व्याख्या दी है चरक महाराज ने ही, ये गुण प्रकरण में ये व्याख्या मिलेगी। दूसरा एक संक्रमण मार्ग देते हैं, ये सब ही कर लिया मैंने, खुद पढ़ लिया, मुझे कुछ आता भी है, ऐसा मुझे नहीं लगता, पेशेंट को भी लगता है, वो भी आते हैं, तो फिर क्या वो सब मेरे साथ ही जाएगा, जाना चाहिए नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा था नहीं फिर भी तुमने इस्तेमाल किया, तुमने उसके बुरे लाभ उठाए, तो फिर ये तुम्हारा काम बनता है कि जो तुम्हें आता है दूसरों को सिखा। इसलिए हरे ज्ञान का संक्रमण करो, यह हमारे यहाँ की परंपरा रही। तो संक्रमण करते समय कैसे करना उसका भी नियम चरक संहिता देती है, लक्षणवत उदाहरणवत। लक्षण आपको मालूम है, जैसे पदार्थ विज्ञान का ही विषय, तो असाधारण धर्मो लक्षणा ये सब आप जानते हो,
फिर लक्षण के बारे में और पदार्थ विज्ञान में अभी आपको और पढ़ना चाहिए। और उदाहरण वक्त आपने एक वस्तु का लक्षण किया तो उसका उदाहरण यदि आप देते रहो तो उस चीज का ज्ञान पूरी तरह संक्रमित हो जाता है। इसलिए लक्षण वर्ग और उदाहरण वर्ग। अगला एक मुद्दा है जो वाग्भट आचार्य देते हैं सूत्र स्थान के शुरुआत में ही कि आदर पूर्वक अभ्यास की अनिवार्यता है। जिस विषय के बारे में आदर न हो उस विषय का उपहास तो हो सकता है, अभ्यास नहीं हो सकता। इसलिए आदर भावना होनी चाहिए। अब यहाँ पर मुझसे रहा नहीं जाता, आजकल विद्यालयों में आयुर्वेद का उपहास करने की शिक्षा दी जाती है, आदर की शिक्षा बहुत कम। ये वर्दी करो। और उससे भी आगे जाके मैं कहूँगा कि विद्यालयों की अवस्था तो अभी अरिष्ट लक्षणों में है, आप अपनी सुरक्षा खुद करो। विद्यालयों को छोड़ो, उनकी गति होगी वो हुई, अपनी गति अपने हाथ में है, उसे सुधारो। इसलिए आदर पूर्वक अध्ययन करो। और कबीर महाराज जो बोल के गए हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मति होए सुजान, उसका उदाहरण, इस लक्षण का उदाहरण मैं सामने खड़ा हूँ। ये प्रज्ञा विशोधनार्थ उपाय परम प्रयत्न मातिष्ठे विशद स्वगुण संपत्ति सततध्ययनम आधारंतरावलोकनम, मतलब चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों ने ही प्रज्ञा विशुद्धि के ऊपर समान जोर दिया है। ये उनके कुछ सूचक सूत्र मैंने आपके सम्मुख रखे हैं ताकि मैं कोई बेप्रमाण का विधान नहीं कर रहा हूँ, क्या आप समझ लें। पर सुश्रुत तो ये खास बात बोलते हैं कि जिसमें शास्त्रकारों को बड़े बड़े दावे करने की आदत नहीं है, अपनी मर्यादाओं का भी भान है, इसका साक्षात दर्शन होता है। समुद्र इव गंभीरम नैव शक्यं चिकित्सितं वक्तुं निरवशेषेण श्लोकानाम अयुधैरम। ये आयुर्वेद के संहिताओं की मर्यादाएं और सुश्रुत संहिता में स्पष्ट रूप में मिलती हैं, ये उत्तर तंत्र में आप देख सकते हैं। इसमें सहायक साधन कौन से होते हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे अभ्यास के दरमियान? व्याकरण, निरुक्त, टीकाकारों के अध्ययन, शब्दकोश, विविध प्रकार के शब्दकोश, पर्यायवाची शब्दकोश, विरुद्धार्थक शब्दकोश, इतर वाङ्मय जैसे उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, जैसे महाभारत में भी आयुर्वेद संबंधी बहुत सारे सूत्र मिलते हैं, मनुस्मृति में भी मिलते हैं, याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी मिलते हैं। वैसे ही अर्वाचीन आप्त ग्रंथ जो भी हैं उन पर भी आप दृष्टिपात कर सकते हैं। अब ये दृष्टि प्राप्ति नाम सूक्ष्म ग्राहिता, सूक्ष्म सूक्ष्म परीक्षण सिद्धि, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न। अब ये होता था वसई नाम का गांव है बंबई के पास, वहाँ एक वैद्य थे 70-75 साल के, रोज सुबह 2 घंटे पेशेंट को बुलाते थे और साथ में एक शीशी में मूत्र ले आना, इतनी ही उनकी परीक्षा थी। और वो भी सामने अपने टेबल पे या हाथ पे देख करके नहीं, तो 10 फुट पे एक टेबल रखा था, उस पे वो रखो सूरज की धूप में,
उसका वरना उसका स्वरूप देख करके वो दवाइयां देते थे और कोई परीक्षण नहीं। और ऐसे वैद्य के पास में 100-200 मरीजों की हमेशा भीड़ रोज सुबह 2 घंटे में होती थी। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसको आप लोग भी ऐसे ही करो, अपने पास शास्त्र है, पर सूक्ष्म सूक्ष्म परीक्षण का इतने लंबे अंतर से भी वो मूत्र में क्या देखते थे, क्या नहीं देखते थे, क्या उसका खाने पर अनुभव लगाते थे, कैसे दवाइयाँ चुनते थे, उनके साथ में सब चला गया। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए शास्त्र अध्ययन सूक्ष्म दृष्टि से हो। नहीं, अब है पंच निदान का ज्ञान। तो ये तो आपके सम्मुख एक स्वतंत्र व्याख्यान हुआ, वैद्य नितिन जी कामत थे, तो इस पर तो मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहूंगा। नेक्स्ट, हाँ, ये विकल्पना का अत्यावश्यक अंग है, इन्हें अवस्था को या गति को, दोषों के बारे में ही इनका विचार शुरू में करना सीखना चाहिए, क्योंकि व्यवहार जो भी है वो दोषों के माध्यम से ही ज्यादा होता है। और दोषों का महात्म्य, दोषों की महत्ता संहिताकारों ने भी खुले दिल से मान्य की है। दोष विपरीत चिकित्सा भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग आज के सब्जेक्ट, आज के विषय के बारे में सोचेंगे, तो क्षय अवस्था जो है, क्षय वृद्धि प्रकोप गतत्व अवरुद्धत्व साम निरामत्व, ये दोषों के बारे में है। इसमें से क्षीर्ण दोष, यह अवस्था आज के व्याख्यान का विषय नहीं है। अब ये जो है, चिकित्सा सूत्र निश्चित है, इन अवस्थाओं के ज्ञान के लिए हम लोग प्रकोप के बारे में सोचने का रह गया है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ थोड़ी इसके सीक्वेंस में हो गई है। ये चिकित्सा सूत्र निश्चित के तौर पर देखेंगे, पहले उक्त और अनुक्त रोग और दोष संबंधी जो जरक का वचन है, उक्त व्याधि और सूक्ष्म व्याधि या अनुक्त व्याधि जो ग्रंथों में जिनका कोई उल्लेख नहीं, उनकी व्यवस्था करने की विधि क्या होनी चाहिए। ये चरक संहिता का अप्रतिम एक नजरिया है जो आज के युग में भी उतना ही प्रभावशाली है जितना पहले था। तो ये सूत्र आप पढ़ लीजिए, सर्वेषु परिवेशेषु अतिविकारेषु उक्तेषु च अनुक्तेषु वायोः इदम् आत्मरूपम् अपरिणामी कर्मणाम् स्वलक्षणं यद् उपलक्ष्य तद् अवयम वा विमुक्त संदेहो वात विकारम एवं अध्यवस्यन्ति कुशलम्। नानात्मक वायु विकारों के प्रकरण में ये सूत्र है, पर ये एक सूत्र तीनों दोषों के लिए उन्होंने दिया है। ऐसे ही सिर्फ वात विकार की जगह पित्त विकार कीजिए, वायु में एकदम आत्मरूपा की जगह पित्त से कीजिए, वैसे ही कब का कीजिए, तो तीनों दोषों के लिए यही नियम है। और महत्व की बात इसमें यह है, जैसे कि उत्तर और अनुत्तर ग्रंथोत्तर रोगों में तो ये कल्पना देखो ही, पर अनुत्तर की कल्पना करने का, निमोनिया की कल्पना करने का यही मार्ग है। अब वो कैसे करें, तो
इदम आत्मरूपम, आत्मरूपम क्या होता है? आत्मा नाम होता है स्व, स्वगुण, स्वभाव से सिद्ध गुण, स्वरूप सिद्ध गुण जो है वायु के, जो अपरिणामी कर्मणा दूसरे दोषों के संस्कारों से रहित ऐसे होंगे, उन्हीं गुणों का विचार यहाँ पर करो और उन्हीं गुणों का तद अवयव अवयव तो अवयव कामित्व केवल फुफ्फुसगत वाक या फुफ्फुसीय वाक या वातो रस इससे काम नहीं चलेगा। तो आपको चाहिए कि वायु के आत्मगुणों को ध्यान में रख कर निदान और चिकित्सा की विकल्पना करे और योजना करे। जैसे कि सुबह के व्याख्यान में ये विषय आया था कि गुणों के इसके बारे में आप विचार करना जरूरी है, ये चरक संहिता का आग्रह है। और दूसरा जो संदर्भ है, तंतम शरीर अवयव आविशतः, उस शरीर के अवयव में उस गुणात्मक वायु का स्थान संशय हो जाता है, तो उनको वात विकार कहो। ये इस सूत्र की एक महत्ता है, हमेशा ध्यान में रखिए, इस पर ज्यादा अध्ययन करें। नेक्स्ट, इन दोषों के जो आत्मरूप कौन से हैं वो भी कुछ चरक की बताते हैं। संहिता का जो है ना, एक बार आपको एक बता दिया ये करो और घर से करके रहो ऐसा नहीं, ये करना है तो ये आगे देखो ये इस तरह करना है। तो दोषों के आत्मरूप कौन से हैं? रूक्ष लघु शीत विषक चल अमूर्त। चरक ने वायु के अनेक गुणों में से इन्हीं छह गुणों को महत्व दिया है इस प्रकरण में। वैसे ही पित्त के अनेक गुणों में से उष्ण तीक्ष्ण लघु अल्प स्नेह और विश्र इन्हीं गुणों का महत्व दिया है। वैसे कब कैसे पांच ही गुण दिए हैं, उसमें एक शारीरिक गुण नहीं है। स्निग्ध शीत और वृक्ष न ये शारीरिक गुण है, पर शुक्ल ये वर्णात्मक है। फिर उसके बाद में आपको मालूम होगा वो भागवत के प्रसिद्ध वचन है जो आपने भी अभी इसमें भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि वातप्रकोप के लक्षणों में सामान्य लक्षणों में भागवत सूत्र स्थान 12वें अध्याय में श्रवण सुव्यास वेद स्वादो सादर उद्भूत वेदनम ये सभी लक्षण गिनाते हैं तीनों दोषों के। तो उसका उपयोग लेकर आगे फुफ्फुस में इन गुणों के कारण होने वाली विकृतियाँ कैसे होती है इसका विचार करेंगे। नेक्स्ट, ये केवल गणित से ही जो आता है सामने वो रखा है। जो आत्मरूप, जो दोष और जो उपज में शक्य है उन विकृतियों के नाम, इनको एकत्रित करने के बाद आपके सामने कुल मिलाकर 28 विकृतियां केवल फुफ्फुस के संबंध में आती है। अब इसमें से महत्व की बात जो है वही दिल से शब्द शास्त्र ये हुआ, तो इन शब्दों के अर्थ क्या है, श्रंश क्या है? फुफ्फुस का श्रंश होता है, ऐसे यदि आता है शब्द यहाँ पर तो श्रंश नाम क्या होता है? यहाँ आएगा व्याकरण या निरुक्त आपकी सहायता करना। श्रंश नाम होता है किंचित चलने,
अपनी जगह से छोड़ को अपनी जगह से छोड़ के उस समय का स्थान भ्रष्ट होना नाम स्रंस है। स्थूल दृष्टांत टीकाकार भी देते हैं, जैसे अनुस्रंस अनु निकल जाता है, संधि स्रंस जैसे कंधा उतर जाता है, तो अपनी जगह से नीचे उतरना ये एक विकृति है जो फुफ्फुस में वायु के कारण होती है। फिर वैसे ही व्यास व्यासो नाम व्यसनम ये निष्पादित हो जाना, यहाँ पर पत्ताओं के भाषण में निष्पारण और संकोच ये शब्द आए थे, प्राणवायु उदान वायु ज्ञान वायु, तो उन्हीं का स्मरण आप करो तो फुफ्फुस में होने वाला विस्फार जो है वो भी वायु के कारण होने वाला एक रोग है। ऐसे ही इस प्रकार से आप देखते रहो तो साध होता है कर्महानि। हर एक शब्द को आप फुफ्फुस के साथ में जोड़ दो तो आपको उस नए रोग का पता यहाँ पर मिल जाएगा। संप्रति के लिए वात दोष की कल्पना है, स्थान विशेष का उल्लेख है तो संप्रति आपके सामने स्पष्ट हो जाती है। जिस संप्रति के आधार पर संप्रति भेदन की चिकित्सा कैसे करनी है वो भी युक्ति सामने आएगी। तो कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर दूंगा। फुफ्फुस शोष, अब ये शब्द शास्त्र में कहीं और मिलता है या नहीं मिलता है ये देखना आपका काम है, पर इस सूत्र के द्वारा ये अवस्था संभव है। पर कई रोगों का वर्णन जब आप देखेंगे तो उसमें शोष ये शब्द नहीं होगा पर ये घटना सूचक अनेक अर्थ दूसरे होंगे, तो वो भी ध्यान देना जरूरी है। तीसरा फुफ्फुस के स्तंभ होना, स्तंभ होना मतलब जो गतिमानता है वो नष्ट होना, स्तंभनम स्तंभयन्ति यत् गतिमानम् चलम ध्रुव। तो फुफ्फुस एक अवयव है जो अजन्मरण हृदय के समान संकोच और विकास करके श्वसन प्रक्रिया चालू रखता है, उसमें यदि स्तंभ की अवस्था होती है तो वाशुका की अवस्था होती है, इस बात का भी ध्यान हो जाए। वैसे ही फुफ्फुस में दाह होता है। अब एक बात सहज याद आ गई, मेरे मित्र अच्छे हैं जो मॉडर्न के तज्ञ हैं, आयुर्वेद के प्रेमी भी है, तो ये आइटिस नाम की कल्पना जो है, आइटिस मतलब शोध संरम्भ शोध शोध कहीं कितने अर्थ मिलेंगे, तो फुफ्फुस में शोध निर्माण हुआ। ऐसे यदि मैंने बोल दिया तो सब लोग समझेंगे और मानेंगे भी, पर फुफ्फुस में दाह हो गया है ऐसा बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया, इसको कैसे मालूम उसके फुफ्फुस में दाह हो गया। तो जो ऐसा सोचते हैं कि इन्हें कैसे पता चला, उनको आयुर्वेद के द्रव्य गुण का कोई भी पता नहीं है, क्योंकि दाह पाक रस तीक्षणा ये गुण है पित्त का, और उष्ण गुण से पाक होता है, उष्ण वीर्य से पाक होता है, तीक्षण गुण से पाक होता है, ये वैद्यों को भी कम मालूम है। एक उदाहरण दूंगा कि उष्ण वीर्य से दाह होता है, तत्र उष्ण भ्रमतो ग्लानि स्वेद दाह शमक, तो फिर गुरुचि दाह शमन कैसे, गुरुचि सत्व दाह शमन कैसे करता है, तार्किक रूप से यह प्रश्न बिल्कुल सही है। द्रव्यगुण का जानने वाला होगा तो वह उसका उत्तर देगा कि गुरुचि सत्व मृदु गुणात्मक है, और मृदु गुण जो है वह दाहनाशन करता है। तो इस ज्ञान से यह स्पष्ट हो गया
कि यहाँ पर पाकनाशनार्थ सर्को दिल बना देनी है, न कि चूर्ण न कि ट्वाट। पर इस बात को यदि आप समझेंगे तो फिर आप किसी भी नाम से आने वाले आईटीस को गुरु जी सत्व अवश्य देंगे। और आप करके देखिए, मुझे लिख करके अनुभव बताइए। बाकी जो भी दवाइयाँ हो उसमें एक भाषा गुरु जी सत्व एक समय दिन में रोज इतना देख करके ग्राहक की किसी भी अवस्था में आप दीजिए। मेरा ये दृष्टांत देने का उद्देश्य यही था कि आपको सिर्फ मैंने कहा और आपने सुना, आपने दिया और फायदा होगा, ऐसा नहीं। तो क्यों हुआ? तो गुरु जी उसने दे दिया है। पर गुरु जी सत्व ये मृदु गुणात्मक है, तो दाह शमन का कार्य जो है द्रव्यगुण के हिसाब से बराबर जमने वाला लगित है। ये कोई यथेच्छा सिद्धि नहीं, ये विकल्पना से आई हुई सिद्धि है। पर ये सिद्धि मिलेगी आपको इस प्रकार के अभ्यास से, हरेक शब्द का, हरेक अर्थ का, हरेक अर्थ के अवयव का पूरी तरह विच्छेदन करो। कफ में पुप शैत्यम, रोगी आता है तो ऐसे बोलता नहीं कि पुप शैत्य हो गया, तो बोलता है पूरे बदन में हाथ पैर तो गर्म रहते हैं लेकिन छाती ठंड ना रखता है। छाती पे कुछ गर्म कपड़ा स्वेटर में हमेशा पहनता हूँ। ये जो बात है वो यदि मालूम हुआ आपको कि शीत गुण से ये कफ की वृद्धि है, तो आप तो वहाँ पर शीते नोष्णकृतान रोगांचमयंती विशक्विदा उष्णे न शीतकृतान रोगान, ये चरण का सूत्र याद है। तो वहाँ पर आपको दवाइयाँ ढूंढने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। महोषधि विश्वा शुंधि त्रिकटु चातुर्या, इन सभी आसान आसान दवाइयों के साथ में आप अच्छी सफल चिकित्सा कर पाओगे। और ठंड लगती है तो उसको एक डेरी वाले इंजेक्शन दो और एक उसको क्रोसिन का गोली खिलाओ, ये करने की जरूरत नौबत नहीं आएगी और न ही उसको त्रिभुवन कीर्ति देने की जरूरत होगी। ये फायदा जरूर होता है। इसका शास्त्र का एक पहलू ये रहा। दूसरा पहलू ये है कि यदि शुंठि देने से काम होता है तो त्रिभुवन कीर्ति क्यों हुआ? क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति की कीमत और शुंठि की कीमत व्यवसाय करने वाले व्यक्ति जानते हैं। दवाइयों की कीमत का कितना विचार करना पड़ता है। जैसे कि वातिकार है, तो वातिकारों के 80 रोग है तो 1800 दवाइयां भी। अब जो तैलम परम औषधम बोला है उसके प्रयोग से यदि काम होता हो तो महायोगराज गुगुल क्यों? और महायोगराज गुगुल से जो काम होने वाला है वहां पर ब्रोध व चिंतामणि क्यों? यदि इस प्रश्न को आप विचार में ले लो तो कॉस्ट इफेक्टिव नाम का जो होता है ना वो सब मामला पहले से चालू था अपने यहाँ पर, वो कोई नई चीज नहीं है। दवाइयों की कीमत को भी नजर कर सकते हो और छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों से भी इलाज सफल कर सकते हो। ये इस अभ्यास का और भी अधिक फल है। वैसे नेक्स्ट, अभी इतनी सब बातें आपके सामने 28 रोगों के नाम तो मैंने दिखा दिए, तो इनकी परीक्षा भी कैसे करना ये प्रश्न आएगा। पर निदान की बात जो होती है वो अलग होती है, परीक्षण की बात होती है वो उसका ही हिस्सा होते हुए भी अलग होती है। तो इसके लिए सामान्य सूत्र ही यहाँ पर दूंगा कि दर्शनादेही अवैता तत्सम्य उपलक्ष्य, दर्शनादेही दर्शन स्पर्शन प्रश्न है। ये भागवत का आदेश है और भागवत में
संहिताओं के सारतरोच्चय के रूप में अपना ग्रंथ लिखा है, सब कुछ वचन लिखा है। तो इसी परीक्षा में आपको देखना है कि दर्शन गम्य कौन से हैं, स्पर्शन गम्य कौन से हैं, और प्रश्नों से करने कैसे हैं। रुग्ण परीक्षा आयुर्वेद की दृष्टि से करना शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता है। जैसे साइकिल चलाने के लिए मैं कभी जाता हूँ तो शुरू शुरू में इतनी बार गिरा हूँ कि कम से कम 100 बार तो जख्म हुए, और बाद में मैं साइकिल 10-20 किलोमीटर की स्पीड से भगाता रहा, कुछ नहीं हुआ। वैसे ही है निदान में, निदान करते समय गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ होना स्वाभाविक है। इस बात को ध्यान में रख करके वृद्ध वैद्य बोला करते थे, अच्छे वैद्य होना है तो 100 पेशेंट को मारना पड़ेगा, उसमें तो मार ही भगे तो वैद्य है। तात्पर्य ये है कि जानबूझ के मारो मत, पर कोशिश करते करते जो गलतियाँ होती हैं उनसे सीखो, पर सीखने के बाद में उसका व्यवसाय करो और ज्ञान संक्रमण का प्रयत्न करो। अब ये व्यवहार युक्ति, आयुर्वेद की व्यवहार युक्ति या युक्ति प्रमाण, ये एक स्वतंत्र विषय है। उसमें कौन कौन से आते हैं विषय, उनका मैं उल्लेख आपके सामने करूंगा। सामान्य विशेष सिद्धांत का उपयोग होता है, जैसे कि भगवत ने दिव्य उपक्रमणीय अध्याय में बात की, तस्वास्य उपक्रम स्नेह संशोधन मृदु इत्यादि सूत्र दिए हैं। तीनों दोषों के लिए सामान्य चिकित्सा सूत्र, आप उनको पढ़ो, पाठ करो, अर्थभेद निश्चित करो, विकल्पना निश्चित करो, तो आपको मालूम होगा कहाँ पर स्वेदन देना है, कहाँ पर स्तंभन देना है, कहाँ पर अभ्यंग देना है, कहाँ पर अभ्यंग निषेध है। ये विकल्पना विशेष में जाएगी, और विशेष में दूसरी और बातें भी आती है, जैसे गत दोषों की चिकित्सा, ये विशेष में रक्तगत वा शिरागत वा, संधिगत वा, तो ये गतवा की चिकित्सा का प्रकरण अलग होता है, अवरतत्व का प्रकरण अलग होता है, जिस पर मैंने एक मेरी पुस्तिका लिखी है। हालांकि आवरण यह विषय महासागर है, पर उसमें एक छोटा या मोटा भर के पानी मैंने भी मिलाया है। तो आवरण के चिकित्सा सूत्र हैं, कुछ नमूने बोल सकते हैं कि उपस्तंभित वाद, निरुपस्तंभित वाद, दो शब्द चरण संहिता बोलती है। निरुपस्तंभित वाद की चिकित्सा सामान्य चिकित्सा में से जो योग्य होगी वो देना, और उपस्तंभित वाद के लिए उन्होंने वैद्यों को खुला नहीं छोड़ा। कुछ दृष्टांत यूं, समान अपान या कोई भी आवरण चिकित्सा सूत्र दिया तो उसका लक्षण और उसके सूत्रपात में उसकी चिकित्सा, तत्र जीवनम सर्पिरिष्यते, सिर्फ 8 अक्षर लिए, तत्र जीवनम सर्पिरिष्यते। तो दीपन ये कार्य है और घृत सर्पी ये द्रव्य है, इसके बाहर जाने की आपको अनुमति वहां पर चरण नहीं देते। इन बातों को समझना ये विशेष है, और वायु की चिकित्सा करनी है तो स्नेह स्वेदन आदि करना है, ये सामान्य है। इसी प्रकार विहार में है, कफ का रोग है तो उसमें दिन निद्रा का निषेध करो, लेकिन वायु का रोग है तो उसमें जीर्ण निद्रा का सेवन करने को बोलो, ये सभी आप कर सकते हो सामान्य रूप से। पर मदाक्य के रोगी को दिन में सोना चाहिए,
भी खाना चाहिए, ये जो बोलते हैं ये विशेष है, क्योंकि ये सामान्य रूप से उपेक्षा उसकी अपने दिमाग से हो जाती है, अपनी बुद्धि में ये बातें नहीं आती, वहाँ पर आप तो प्रदेश का प्रमाण सिद्ध होते हैं। फिर एक और भी आयुर्वेद की खासियत ये है कि मात्रा युक्ति, मात्रा नाम होता है मान का, प्रमाण का, कितने प्रमाण ने कितनी औषधि देखा है उसका। और आयुर्वेद के ग्रंथकारों ने निसंदिग्ध रूप में कहा है कि मात्रा या न व्यवस्था, सामान्य मात्रा है आप दे सकते हो, जैसे सारंदर खोज के देखो तो पाठ की इतनी मात्रा है, जोड़ की इतनी सामान्य मात्रा दे दो, पर पुरुषम पुरुषम पीछे हरेक रोगी को देखने के बाद में हरेक को उतनी ही मात्रा देना सब घोड़े वाड़ करके नहीं, वहाँ पर कितनी मात्रा किसे चाहिए इसका अनुमान वैद्य ने खुद लगाना चाहिए योजना करने से पहले। इसका उदाहरण ये है कि संधिगतवाद में गंधर्व स्नेह विश्वास चतुपुष्पा ये योग चक्र दत्त बोलता है, वहां पर मात्रा का उल्लेख नहीं है, पर गंधर्व स्नेह के बारे में मैंने खुद अनुभव जो किया वो ये कि एक चम्मच भर के जो गंधर्व तेल पिया जाए तो संधिवात के रोगियों में फायदा होता है, और वही गंधर्व स्नेह एक तोला किया जाए तो विरेचन होता है। तो ये मात्रा का इतना विचार प्रभावी होता है। आयुर्वेद की दवाइयों को साइड इफेक्ट नहीं होते ऐसा लोगों का भ्रम है, यदि गलत मात्रा में दवाई खाएंगे तो आयुर्वेद की दवाइयों के भी भयानक दुष्परिणाम होते हैं, यह अनुभव की बातें हैं फिर कभी। पर मात्रा के बारे में हमेशा वैद्य ने अपनी योजना और अपने निदान की बारीकियों पर भरोसा करना चाहिए, न कि अनुभव और परंपरा पर। फिर अगला मुद्दा है औषध सेवन काल। औषधि सेवन करने के काल ग्रंथों में बहुत दिए हैं, अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग काल के प्रकार भी दिए हैं। इन सब बातों का एक संकलन मधु जीवन में काल विशेषांक नाम से मैंने कुछ सालों पहले किया था। एक किस्सा याद आया इस पर से, मैं चाहता हूँ कि आप भी जाने। आयुर्वेदीय काल विचार इस पर विशेष करने जैसा क्या है, ऐसे सवाल मुझे अनेक ज्येष्ठ वैद्यों ने पूछे, और मन में यही विचार आया कि यदि ये ज्येष्ठ वैद्य ऐसा समझते हैं तो मुझे तो काल विशेषज्ञ करना ही है, क्योंकि इन्हें ही समझाना पड़ेगा, और जिन्होंने वो सब ऐसे बोला था उन्होंने अपने अपने विचार लिखे तो भेजे, उतना तो अनुग्रह मुझे था, मुझ पर उन लोगों की बड़ी कृपा रही हो। पर वो दो विभाग के 400 पन्ने हो गए, आयुर्वेदीय काल विचार 400 पृष्ठों का हो गया। अब इतने बड़े विषय को आपके सामने यहाँ विस्तृत रूप में बोलना तो असंभव है। उसकी एक उदाहरण देता हिक्का, हिचकी आती है, 3 दिन से सोया नहीं है रोगी, और हिक्का चालू ही है, बंद होती नहीं है 3 दिन से। डॉक्टर लोगों ने सब दवाइयां दे दे करके आखिरी फैमिली किसी से बोल देना आप अभी हरिद्वार ऋषिकेश चले जाओ तो ठीक होगा, मतलब अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है। बोल मेरे पास पेशेंट आने के बाद में मैंने समीर बना आदि गुंजा
एक साथ में उनको दी, तो उसके पेशेंट की हिचकी तो बंद नहीं हुई और पूरे बदन में उनके दाह जलन से होने लगे। तो मेरे गुरु रहे कैलाशवासी गणेश माधव शास्त्री जी जोशी, मैंने उनसे बात की ऐसा हुआ, बोले ऐसा नहीं देना चाहिए था तुम्हें, समीर पंगर तो है ही वैसा, तुम्हारा फिर कैसे देना चाहिए, बोले उसका अवले बना करके और आधे घंटे में एक अष्टमांश गुंजा तेल और मधु में मिलाकर एक एक उंगली से जबान पे चाटने को देना चाहिए। पेशेंट सामने रहता था इसलिए वो दे सका मैं, और वो आधे घंटे के बाद में जो हिचकी बंद हो गई, वो तो आज तक पेशेंट मेरे पास में आता है और एक बार भी हिचकी नहीं खाता। ये औषधि सेवन काल की जो योजना है वो गलत हो गई तो क्या होता है, उसका अनुभव मैंने लिया। इसलिए हमेशा कम मात्रा में योग्य काल में औषधि देंगे तो उपयोग होता है। फिर औषध प्रयोग मार्ग आजकल कहते हैं रोग संवार निश्लेषण, उसके लिए भी आयुर्वेद के बहुत सारे हैं चरण संहिता खोल के देखिए, सुबह पहले शुभ कहते हैं दुग्ध वर्ग लवण वर्ग सभी जो दिए हैं उनके कैसे कैसे उपयोग किए जाए, पाने नस्य अपने सभी इस हेतु, ये सभी रोग के औषधि के प्रयोग मार्ग हैं, तो उनका भी यथासंभव निर्भर न्याय जैसे है वैसे ही औषध कौन से रास्ते देना है वो भी समझना जरूरी है। फिर औषधियों के कर्मों की निश्चिति, जैसे कि अभी देखा है कि कौन से गुणों की कौन से द्रव्यों की कौन से कर्मों की विकृति हुई है उनके अनुसार विपरीत गुणय द्रव्य राशुदोषाह प्रशान मिलते हैं, चरक संहिता में सूत्र आता है, तो विरुद्ध नहीं बोलते विपरीत बोलते हैं, क्योंकि विरुद्ध शब्द व्यवहारिक दृष्टि योग्य होगा, शास्त्रीय दृष्टि विरुद्ध का अर्थ अलग होता है। तो विपरीत चिकित्सा करना ये शब्द महत्वपूर्ण है, विरुद्ध ये चिकित्सा नहीं है, विरुद्ध ये रोग का कारण हुआ। फिर उसके बाद में आता है अनुपान विचार, तो अनुपान विचार भी एक अपने आप में प्रबंध का विषय है, एक विद्यार्थी ने एमडी किया था मुझे अच्छी तरह याद है। फिर भी फुफ्फुस के रोगों में वात के लिए गिनती के लिए कफ के लिए बहुत सारे अनुमान है। वैद्य शंकर दाजी पदे उन्होंने अनुमान मंजरी नाम से किताब भी लिखी है, वह पढ़े तो अच्छा रहेगा, उसमें रोगों में कितने प्रकार के अनुमान, फिर उसमें मंचित कषाय कल्पना के भी हैं, प्राणी द्रव्यों के भी है जैसे दुग्ध मूत्र, तो वो आप जरूर देखिए। फिर विहार चिकित्सा, उसमें सप्तदाशमन चिकित्सा, उसमें से कौन से देनी चाहिए कौन से नहीं देनी चाहिए इसका युक्तिपूर्वक व्यवहार करना, जैसे कि दिनचर्या विशेष में प्रत्यापत्य अभी बताया वैसे, इन सभी बातों का निर्णय और उसके साथ में अपुनर्भव होने के लिए रसायन आदि का विचार, इतनी सब बातों का ज्ञान आपको शब्दशः शब्दार्थशः अर्थ अवयवशः अभ्यास करने के बाद में प्राप्त होता है। अब इसमें कुछ बातें थोड़ी छूट गई थी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर विषय मेरा इतना ही था कि दोषों की विकल्पना संप्राप्ति क्या होती है और उनसे होने वाले कर्म कैसे होते हैं उनको बताने का ग्रंथकारों का जो तरीका है वो इस प्रकार से है, और मराठी में ग्रंथ लावणे
ग्रंथ तपासणे नाही, ग्रंथ अभ्यासायचा किंवा ग्रंथ लावायचा. पण लावणे मतलब अनुभव व्यतिरिक्त सिद्ध करो, अनुभव से सिद्ध करो, प्रमाणित करने का प्रयास करो. ये सभी प्रयास है वो आदरपूर्वक अभ्यास से करो. इतना ही उनका कहना था. बस इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोई द्रव्यों के या चिकित्सा कल्पों के नाम देना पसंद नहीं करता, क्योंकि उससे गलतियाँ होती है. जैसे समय बन की, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उस तरीके को समझने की कोशिश करो जिस तरीके से ये ग्रंथ लिखे गए हैं. तो व्याकरण निरुत्तर टीकाकार शब्द कोश, इनके साथ में एक महत्वपूर्ण बात रह गई, वो है तंत्र युक्ति. तो मैं फिर कभी आज तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूँ.